शादी.com एक बड़ी लीडिंग मैट्रिमोनियल साइट बन गई, पर कैसे? एक दिन अनुपम मित्तल जी की मुलाकात शादी कराने वाले पंडित जी से हुई, तो उनके दिमाग में आइडिया आया सगाई.com का। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेडिशनल तरीके से शादी के लिए लोगों के पास रिश्तों की ऑप्शंस कम होती हैं, तो अनुपम ने सोचा कि अगर इस प्रोसेस को ऑनलाइन बना दिया जाए तो लोगों के पास रिश्तों के ऑप्शंस ज्यादा होंगे। फिर अनुपम ने एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम रखा सगाई.com। लेकिन वो इस नाम से खुश नहीं थे क्योंकि अनुपम को इस नाम में ब्रांड नजर नहीं आ रहा था, वो एक यूनिवर्सल ब्रांड नेम चाहते थे। फिर उनके दिमाग में शादी.com का आइडिया आया, पर ये डोमेन पहले से ही किसी के पास था। फिर अनुपम ने इसे बड़ी कीमत देकर खरीदा और इस तरह 1999 में सगाई.com बना शादी.com। शुरुआती समय में अनुपम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज शादी.com की नेटवर्क 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इस पर 35 मिलियन से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स हैं और इस साइट पर 10 से 12 हजार लोग डेली साइन अप करते हैं।